एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, हम घर में भी सब ठीक है। पूछते रहते हैं, सब कमेंट कर गए। आंटी जी, अंकल जी, सब मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं। और सब लोग बोल रहे थे, कल कमेंट आया था कि दीदी आप स्टार्टिंग पहले अच्छे से करती थी, एकदम उमंग के साथ अब स्लो हो गया है। तो एक्चुअली जो मैंने वीडियो कल स्टार्ट करी थी, जो आज मतलब गई है, वो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, नीचे ही करी थी तो सब लोग थे, तो थोड़ा सा इसीलिए आज फिर मैं अब ऊपर ही आ गई हूँ रूम में, कि थोड़ा सा जोर से ही करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। एक दो रिक्वेस्ट वीडियो है मेरे पास, जल्दी ही उसको मैं आप लोगों के साथ बीच में लेकर के आऊंगी, क्योंकि ये होता है ना, रिक्वेस्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा पहले से ही हमें सोच करके उस हिसाब से चलना होता है, तो उसी मतलब बनाने के लिए। और आप लोगों को पता है, गांव का एरिया, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाए घर से बाहर वीडियो बनाना, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। और आज मैं वीडियो जिसके ऊपर बना रही हूँ, जो टॉपिक बता रही हूँ, वो आप लोगों को स्टार्ट कर देती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। और पूरा वीडियो देख करके कमेंट करना, जब बताना मुझे आप लोग के कैसा आप लोगों को वीडियो लगा है। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ दीपक दिया खन्ना व्लॉग चैनल, आप लोग सभी ही जानते होंगे, मेघा, वैसे तो उनका नाम मेघा नाम है, लेकिन चैनल का दीपक दिया खन्ना व्लॉग है। मेरे पास कमेंट आया था उस चैनल से कि आप मतलब कैसी फ्रेंड हो, पीठ में छोरा भोग दिया, धोखेबाज हो, और इस तरीके से मतलब बहुत सारा कमेंट आया था, काफी बड़ा। तब मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मतलब जिन्होंने जब उन्होंने वीडियो बनाई थी ना, उसके उसी दिन आया था, लेकिन बाद में आया था, तो मैंने वीडियो देखी थी। उन्होंने मुझे बताया था, मतलब उसमें वीडियो में सभी को बताया है कि उनकी कोई फेक आईडी बनाई हुई है उस पे, मतलब उससे किसी ने कमेंट करें सबको जा करके इस तरीके से। तो मुझे मतलब खराब नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी ऐसा कर नहीं सकती, और वीडियो देख लिया है मैंने, तो इसका मतलब किसी ने फेक आईडी से ही ये सब किया है। तो इस तरीके से प्लीज किसी की फेक आईडी बना करके मत करो इस तरीके से, क्योंकि कोई चैनल इतनी मेहनत से बनाता है, इतनी मेहनत से चलाता है, और कोई भी आता है फेक आईडी से और दूसरों को जाकर के, उसके फ्रेंडों को जाकर के, जो लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, मेघा का अच्छा खासा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है हमें, क्योंकि और भगवान आगे खूब जाए, क्योंकि देखो सिंगल मदर है, बहुत ज्यादा सारा स्ट्रगल होता है, काफी सारा मतलब घर का बाहर का सब कुछ अकेले ही देखना होता है। मैं खुद सिंगल मदर हूँ, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है उनकी स्थिति, और वो कभी ऐसा कर नहीं सकती, किसी के बारे में गलत बोल नहीं सकती है। और क्योंकि मैं देखिए कहते ना, वीडियो में देखने से भी हम किसी की कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, उससे भी हम नेचर का पता चला लेते हैं, लेकिन मैं तो उनसे खुद मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने खाली वीडियो ही देखी है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो, मैं जनवरी के महीने में उनके घर गई थी, मेरी वीडियो है, उनकी वीडियो में भी मैं हूँ और मेरी वीडियो में भी वो है, मतलब तो मैं उनसे पर्सनली ही मिल के आई हूँ, खूब ढेर सारी बातचीत हुई थी, बहुत अच्छी फैमिली है, उनके मम्मी पापा भाई सच में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करी थी। तो वो कभी किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते, जिनके परिवार वाले माँ बाप अच्छे हैं, संस्कार अच्छे मिले हैं, तो वो किसी के लिए गलत कैसे बोल सकते हैं। तो मैं समझ गई थी कि ये कमेंट उनकी आईडी से नहीं है, जो फेक आईडी बनाई हुई है उस आईडी से है ये, तो ये गलत बात है किसी के चैनल की आईडी फेक बना करके और उसको आप इस तरीके से जज करो। और फिर सबकी वीडियो मेरी नहीं, बहुत सारी मेरी और एक दो यूट्यूबर फ्रेंड है, उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी बोला है, बताया था कि हमारे पास भी इस तरीके से कमेंट आया था। तो कमेंट में यही था कि तो मतलब आप सबको पता है कि मेघा से मेरी नॉर्मली देखो मिलकी भी आई हूँ, फोन पे भी बातचीत होती है, अच्छी खासी फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मैं नाम ही लेती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से, एक्चुअली मैं उम्र में उनसे बड़ी हूँ, मेघा मुझसे छोटी है। और वो बोल पहले मैं जी लगा करके बोलती थी, तो उसने खुद मुझे बोला नहीं जी मत लगाओ, तो इसीलिए मैं मेघा ही बोलती हूँ। तो देखिए मेरी बातचीत भी हुई थी, सब कुछ बहुत खराब लग रहा था, तो उन्होंने बोला कमेंट में कि आप कैसी फ्रेंड हो, अपनी फ्रेंड की पीठ में छुरा भोग दिया है और इतना धोखा दिया है आपने, आपकी असलियत ये है, तो आप बताइए क्या असलियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी जानती मैं भी जानती हूँ, बहुत अच्छे से बातचीत होती है, और खूब कभी भी उनकी लाइव अगर आती है तो मैं भी खूब अच्छे से फन करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में कुछ पता नहीं है आजकल, आप लोगों को पता है इतनी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम सब फेस कर रही है, और उसमें भी यूट्यूब पे समझ ही नहीं आ रहा है लोग, ये नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी है, और आप समझ सकते हैं जिसके परिवार में अगर किसी के में भी होता है या कहीं पे भी सुनने में आता है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। तो उसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाल ले के बजाय हम लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को और अच्छे से। और दूसरी बात ये है, कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं है,
2020 आप लोगों को पता बहुत भारी है, सच में इतनी परेशानियां हो रही है ना, बहुत ज्यादा है। मैं गाजीमाद में थी उतनी मुझे वहां नहीं पता चल रही थी, लेकिन गांव में आकर के पता चल रही है। देखिए बीमार तो हर साल होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हर साल ही कोरोना इस बार आया, लेकिन जैसे नॉर्मली किसी को बुखार आ गया, खांसी जुखाम कुछ भी, तो आप लोग समझ सकते हैं टेंशन हो जाती है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है कि डॉक्टर नहीं देख रहे हैं किसी को, जो नॉर्मल मरीज है ना, जिनको ऐसे ही है कि भाई बुखार आया है, तो उनको नहीं देख रहे हैं। तो वही है ना, देखिए कितना गलत बात है, क्योंकि बीमार तो लोग हर साल ही होते हैं पूरी साल में, और ये सीजन है जैसे बारिश का सीजन है, इसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि गांव में तो ज्यादातर क्या है, देखो गर्मी इतनी होती है, धूप में भी काम, भाई किसानों को तो खेती का, अपने भैंस पोए का जो भी काम होता है, ढोरों का, सब करना पड़ता है, फिर उसके बाद में धूप वगैरह की वजह से ही थोड़े बहुत बीमार हो जाते हैं। लेकिन गांव में जैसे बहुत लोग हैं, इनको थोड़ा बहुत बुखार है, नॉर्मली ही है, लेकिन डॉक्टर नहीं देख रहे। तो देखिए कितनी सारी समस्या है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पर शांति से वीडियो बनाइए, डालिए, कोई किसी के चैनल को इस तरीके से मत करके हैक, बहुत तो हैक करते हैं, हैक करते हैं जो चैनल को, हैक भी मत कीजिए, किसी का ऐसे फेक आईडी मत बनाइए, क्योंकि फेक आईडी से आप किसी को बदनाम कर रहे हैं। क्यों, आपको क्या मिलता है, मेगा ने किसी का क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी का, बल्कि उसने बहुत लोगों को सपोर्ट ही किया है, काफी लोगों को साथ लेकर के चली है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसने भी फेक आईडी बनाई गलत बनाई, किसी की भी बनाना गलत बात है, क्योंकि लोग इतना मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, आप लोग जितने भी यूट्यूबर हैं सबको पता है कितनी मेहनत करके वीडियो बनती है, डलती है, और चैनल को ये ग्रो करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन चैनल हमारा ग्रो हो जाए वो सबसे बड़ी बात है, और मेघा ने वो करके दिखाया है, उनका चैनल अच्छा खासा चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी के साथ में भी, और देखिए आगे जो भी मैंने वीडियो में अपनी में बनाया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मेरा वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, और प्लीज़ जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको आगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई में जवे भून रही हूँ, यहाँ पे हमने जवे जो देख रहे होंगे आप, ज़्यादा व्हाइट नहीं है, थोड़ी सी घर की मैदा और मार्केट की मिला करके तोड़े थे, तो यहाँ पे मैं जवे बनाऊंगी, पहले इनको भून रहूंगी, और थोड़े से जवे मैंने आज भून करके रखूंगी, और उसके बाद में जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी मैं, क्योंकि दूध वाले नमकीन जवे तो सब बनाते हैं, मैं दूसरी तरीके से जवे बनाऊंगी, और अगली बार बनाऊंगी जब जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें तेल डाल दिया है क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जब ये मैंने भून के रख दिए थे, क्योंकि भून के रखने से क्या होता है, कभी बनाने का मन होता है तो एकदम इजी हो जाता है ना बनाना, फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत बनाओ, तो इस वजह से भून करके रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं भूने थे, थोड़े ही भून के रख दिए, बाकी की फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं चूल्हे पर ही भून के रख दूंगी, तो गैस पर इसलिए किसी दिन मम्मी चूल्हे पर भूनेंगी मतलब। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया है, लहसुन और प्याज डाल दिए, और प्याज भुनने के बाद में इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, थोड़ी हरी मिर्ची डाली है, और मुझे आलू बैंगन की सब्जी बनानी है, हमारे यहाँ गांव में आलू बैंगन की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वो नहीं डालूंगी, और मसाला तो वही है, हल्दी नमक हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया है पाउडर, और वो नमक, और बाकी का कोई मसाला नहीं है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी क्योंकि हरी मिर्ची डाली है, मम्मी वगैरह ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे, तो बस ये बैंगन हमारे मम्मी ने जो किचन गार्डन लगाया हुआ है अपना, उसी में ही बैंगन लगे हुए हैं, वहीं से तोड़ लिए थे, तो यहाँ पे मैं फटाफट सब्जी बना करके अभी इसको ढक के रख दिया है, और उसके बाद में क्योंकि आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, ईशु को आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके पराठे बना रही हैं, वो बोल रही थी पराठे बना दो, और एक मुझे कमेंट आया था कल के, दीदी आपके किचन की जो स्लैब बहुत बड़ी है और गीता हाइट में बहुत छोटी है, तो कैसे कर लेती है, बस वो नीचे पटरी पैरों पर के नीचे मतलब पटरी रख के खड़ी हो जाती है और मैनेज कर लेती है, और उसके बाद में ये सुबह फिर मैं काम वगैरह खाना वगैरह जिन्हें दे करके तो भैंसों को नहलाने के लिए गई थी, तो भैंस वगैरह सब नहला के मैंने अंदर बांध दी, उसके बाद ये छोटी सी कटिया है हमारी उसको नहला करके और यहाँ से सारा धोऊंगी यहाँ बाहर से, क्योंकि गर्मी हो रही है तो टाइम से ही ये टाइम हो रहा है सुबह का तकरीबन 8 बजे के आसपास, और यहाँ पे मैं सब धो रही हूँ, और यहाँ आप देख रहे होंगे बीच बीच में थोड़े से ईशु की आवाज, वो जबे तोड़ रही है मेरे पास बैठ के, मैं डबिंग कर रही हूँ, और बस फटाफट से सारा काम खत्म करूंगी, उसके बाद में फिर घर में भी अभी मेरा कुछ काम बाकी बचा हुआ है, और ये देख रहूंगी ये मैं बना रही हूँ काढ़ा यहाँ पर, तो आजकल थोड़ा थोड़ा काढ़ा पीना बहुत जरूरी है, इसमें मैंने वही डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और ये होता है ना गिलोय, नीम गिलोय वो डाली है, लौंग डाली है, काली मिर्ची डाली है, इन सबको थोड़ी सी हल्दी डाल करके पका करके थोड़ा थोड़ा सबको काढ़ा दूंगी, और उसके बाद में यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ बाथरूम में,
फिर नहाने का काम है क्योंकि अकेली हूँ आजकल, आप लोगों को पता ही है बहुत सारा काम हो जाता है। मम्मी भी करती हैं काम, काफ़ी काम कर लेती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ज़्यादा काम वो हो जाता है। तो फिर सारा काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपसे, और कपड़े धो लूँगी फटाफट। उसके बाद में कमेंट के ऊपर मैंने मतलब आज वीडियो बनाया, अगर मेरी वीडियो पर कमेंट नहीं आता तो मैं नहीं बनाती इसके ऊपर, और आज मैं वीडियो इसी में ही एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए मेरा वीडियो। कल मिलती है आप लोगों को, बाय बाय।